सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल टेकी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्निकल टेकी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कैसे कोई सी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में अगर इंटरनेट कनेक्ट होने के बावजूद भी इंटरनेट नहीं चलता और कोई भी नया लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो जो हम फॉर्मेट करते हैं उसके बाद भी कुछ विंडोज़ के बग्स के वजह से वो इंटरनेट ब्लॉक हो जाता है, इस वजह से भी इंटरनेट नहीं चलता। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने लैपटॉप में कैसे या डेस्कटॉप में किस तरीके से इंटरनेट ऑन करते हैं। तो अभी हमारे पास वाईफाई कनेक्टेड है, चेक कर लेते हैं। तो हमारा वाईफाई कनेक्टेड है प्रॉपरली, हम कोई भी साइट ओपन करते हैं तो हमारे इस टाइम पे नो इंटरनेट का ऑप्शन दे रहा है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो चलो आज हम जानते हैं। तो फर्स्ट हम इसे क्लोज करते हैं और हम फर्स्ट में सर्च करते हैं कंट्रोल पैनल, टाइप करते हैं कंट्रोल पैनल, फर्स्ट में शो करता है, इसको हम ओपन करते हैं। जो ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे आइकन आएंगे जिसमें हमें चूज़ करना है इंटरनेट ऑप्शन। इंटरनेट ऑप्शन पर फर्स्ट क्लिक करेंगे एक बार और उसके बाद हम जाएंगे कनेक्शन। कनेक्शन में जाने के बाद उसके बाद हम जाएंगे लैन सेटिंग। लैन सेटिंग में जाने के बाद ये हमारा जो ये प्रॉक्सी है, यूज़ ए प्रॉक्सी सर्वर फॉर यू लैन, ये जो प्रॉक्सी है इनेबल्ड है। ये इनेबल्ड रहेगा तो हमारा इंटरनेट नहीं चलता। अगर हम ये इनेबल्ड है उसके बावजूद भी अगर हम इसको चाहें तो इसको हम पोर्ट को हटा सकते हैं और ये एड्रेस को हटाने के बावजूद अगर हम ओके करके सब सेव कर देंगे और उसके बाद भी हम इंटरनेट ऑन करेंगे क्रोम तो हमारा इंटरनेट चलने लगेगा। देख लीजिए चलना चालू हो गया पर हमारा प्रॉक्सी ऑन है उसके बावजूद भी चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो इंटरनेट ऑप्शन है इसमें हमने जो कनेक्शन है लैन इसमें हमने जो क्लिक तो किया है बट यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया, इसके वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट हम इसमें कुछ भी अगर अनवांटेज फाइलें हो जाती हैं, बग्स हो जाते हैं, इसमें इनेबल ऐड हो जाता है, इस वजह से इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। तो इसको हटाने के बावजूद भी चल सकता है या तो हमेशा इसको परमानेंट अनचेक ही कर दो तो आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि हो सकता हो आगे चल के फिर से ये प्रॉब्लम आ जाए। इसके लिए अनचेक करके ओके ओके क्लोज, उसके बाद आप दूसरा पेज ओपन कर चेक कर सकते हैं चल रहा है हमारा जो चैनल है। उसके बाद हम इंटरनेट स्पीड टेस्ट करते हैं, इंटरनेट स्पीड टेस्ट। हमारा जो फर्स्ट लिंक है स्पीड टेस्ट बाय ओकला, इसको क्लिक करेंगे और सर्च करते हैं। ये रिफ्रेश हो रहा है तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि जिसकी वजह से हम नए से नए वीडियो आपके लिए ला सकें और बेल आइकन को भी आप हिट कर दें। तो हम इंटरनेट चेक करते हैं, गो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्पीड टेस्ट हो रही है, देखिए हमारा इंटरनेट चल रहा है। ये डाउनलोडिंग स्पीड है तो ये हमारा जो भी सेटिंग हुआ था ये बग्स की वजह से भी हो सकता है या कोई एंटीवायरस जो कि लाइसेंस नहीं होता उसके वजह से भी एडवांटेज वर्क हो जाता है। तो आप इसको ध्यान दें और अच्छे से इंटरनेट चलाएं। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।